एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के दिन की शुरुआत फिर से नदी के पास वाले खेत से हो रही है। थोड़ा काम रह गया था, वो वापस आज दोपहर इसकी वजह से आ गए वापस करने के लिए। तो अभी वो काम करते हैं और बाद में देखते हैं, शिमला को स्प्रे लेना पड़ेगा, तो पॉसिबल हुआ तो वो स्प्रे ले लेंगे आज। हेलो गाइस, तो फाइनली एक घंटे की मशक्कत के बाद हो गया पूरा काम, फाउंडेशन का तार खींचने का, मतलब पूरा पैक कर दिया अभी तार से। अभी पीछे बांधने का काम चालू है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बांधे जाते हैं टोमेटो तार के ऊपर, जिससे वो स्टेबल रहते हैं। और क्योंकि इन पौधों में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती, मतलब ताकत नहीं रहती कि ये खुद के बलबूते पर खड़े रहें, तो उसके लिए डोरी बांधनी पड़ती है और उसको इस तार के ऊपर लोड देना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से टोमेटो बांधे हुए डोरी से, यहाँ से, तो इससे यहाँ तक बांधे, इससे स्ट्रेंथ मिलती है अच्छे से टोमेटो को। और ये पीछे बांधने का काम चालू है, काम हो गया पूरा, उनको घर वाले अभी बांध रहे टोमेटो और हम निकलते हैं अभी ट्रैक्टर लेके, मैं और मेरा भाई है साथ में, उसको लेके निकलते। करके आगे खाना वाना खा लिया, बहुत टाइम हो गया, कुछ नहीं, बैठा तब ऐसे मोबाइल देख रहा था, तब से यूट्यूब देख रहा था। अभी देखते हैं, बारिश तो थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूस चालू है, इसकी वजह से काम भी नहीं हो रहा है कुछ। गुड इवनिंग एवरीवन, आ गए घूमते घूमते हमारे यहाँ पर, एक जंगल टाइप है छोटा सा टेकरी पे, तो जा रहा हूँ पेट्रोल डालने गाड़ी में, कुछ काम नहीं किया, अभी देखता हूँ, मतलब थोड़ा काम होता है बारिश आती है इसकी वजह से काम बंद कर देना पड़ता है। पर अभी पहले पेट्रोल डाल के आता हूँ और बाद में पॉसिबल हुआ तो शिमला को स्प्रे लेंगे आज और दिन का एंड करेंगे, फाइनल टास्क है वो आज का। आज भी सिर्फ टोमेटो के फाउंडेशन का काम हुआ और बाकी काम नहीं कर सके आज। आज के शेड्यूल में मतलब शिमला को स्प्रे करना था, वो कैंसिल करना पड़ा बारिश की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट वैसा हो गया बारिश का। तो अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पर एकदम नदी के ऊपर, पुल के ऊपर, और वीडियो को एंड करते, आज के दिन को भी एंड करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। ओके, बाय।